इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना विशाल मंदिर हमने तो ना सुना है ना देखा है। और खाली कोलकाता ही नहीं, सारी इंडिया में भी अगर देखेंगे तो इस तरह के मंदिर गिने चुने हैं। ये स्वर्गीय सेठ श्री मोहनलाल जी जालान ने इसका निर्माण कराया अपने पिता की स्मृति में, और 82 साल पहले इस मंदिर को बनाया। और मंदिर के साथ साथ इसमें लाइब्रेरी, स्कूल, औषधालय, कई तरह की चीज़ें जन कल्याण के लिए उन्होंने बनाई थी। उस जमाना के हिसाब से बहुत ही भव्य राम मंदिर ये बना था, और आज भी बहुत भव्य मंदिर है। और उसी को, इतनी सालों से चली आई परम्परा को जालान परिवार आज भी चला रहे हैं। सेठ सूरजमल जालान ट्रस्ट द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना विशाल मंदिर हमने तो ना सुना है ना देखा है। और खाली कोलकाता ही नहीं, सारी इंडिया में भी अगर देखेंगे तो इस तरह के मंदिर गिने चुने ही होंगे। इसका जो आर्किटेक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, क्योंकि बहुत बारीकी से किया गया था एकदम। थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में, कौन बनाया? नहीं, वो उतनी हिस्ट्री तो देखिए हमारे पास में है नहीं। उस जमाने के हिसाब से जो बना है, तो आर्किटेक्चर वगैरह और कौन है क्या, ये तो हम बता नहीं सकते आपको। सर, 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर ओपनिंग है, तो यहाँ पे इस राम मंदिर में क्या क्या होगा उस दिन कोलकाता में? क्यों, इस राम मंदिर में हमारे यहाँ सुबह 10 बजे भजन का प्रोग्राम होगा, तो 1 घंटा भजन का प्रोग्राम चलेगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा जो आएंगे उनको। पूजा कितने बजे से स्टार्ट होगा, होता है यहाँ पे? 5 बजे सुबह खुलता है मंदिर, 12 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद फिर शाम को 5 बजे खुलता है और रात 10 बजे तक चलता है। 4 बार दिन में आरती होती है। सर, ये जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है अयोध्या में पूरा, उसके बाद से किया, मतलब लोग आना बढ़ गया क्या आप लोगों के पास? हमारे पास तो लोग हैं, वो तो हजारों की तादाद में रोज आते ही हैं, और हजारों से भी ज़्यादा लोग बाहर से प्रणाम करके जाते हैं। तो मुद्दे से तो कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है कि लोग बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। जिनको दर्शन करने आना है वो दर्शन करने आते हैं रेगुलर। कुछ तो बहुत तो ऐसे आदमी हैं कि जो रोज़ ही आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। सर, बहुत दूर से क्या लोग आते हैं, कि मतलब देश, सारे देश से क्या आते हैं क्या कोलकाता की राम मंदिर? क्योंकि इस राम मंदिर के बारे में सबको पता है देश का, क्योंकि ऐसा जिनकी भी श्रद्धा है तो वो आते हैं। तो हम लोग तो ये तो नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या आए, बस लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। 50 साल से यहाँ है। कैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ पर तो स्वर्ग है, और क्या बोले। अयोध्या में राम मंदिर हो रहा है, बन रहा है, जाएंगे। लड़का लोग बोला अभी मां नहीं जाओ, बहुत भीड़ है। तो 22 तारीख को क्या करोगे? यहाँ उत्सव होगा, यहीं पर में सब मनाएंगे हम लोग, और मई में जाएंगे अयोध्या जी।